मान लेते हैं कि थीटा डिग्री से रोड बैंक्ड है और ये कोई कार है, सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, क्लियर है क्या? और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो क्या है बेटा? तो यहां पे लगेगा नॉर्मल, यस और नो? हाँ, क्या बोल रहा है? कार ये रही ना गोल सी, दिस इज माई कार ब्रो, द गोल कार, दिख गई कार? जहां नॉर्मल लगाऊंगा भाई वही कार होगी ना यार, बताओ हाँ या ना? हवा में तो नॉर्मल लगाएगा नहीं। चलो तो देखो, ये रहा नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? एम जी, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, दिस इज एंगल थीटा, इट विल ऑल्सो हैव कैन हैव टू कंपोनेंट्स, यस और नो? सी, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, एंड साइन थीटा, यस और नो? चेक कर रहा था, एन साइन थीटा, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस एन कॉस थीटा तो एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, टेल मी यस और नो? और एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? मैटर 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 मैटर, हाँ यार, अब होता क्या है? अभी फ्रिक्शन को देख, मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने नहीं बोला फ्रिक्शन किधर है किधर नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैंने ये बोल दिया ये सेफ स्पीड है। ये क्या है? आप अगर आप इस स्पीड पे चलोगे तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो, जो मौत का कुआं होता है, थीटा बढ़ाते जाते हैं ऑलमोस्ट 70-80 डिग्री पे, और टैन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 10-90 पे इनफाइनाइट वैल्यू ले लेता है। अबे बेवकूफ बोलो, हाँ सही है कि नहीं? तो वो बैलेंस आउट करने के लिए वी बहुत तेज रखते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मतलब आप उस पे भी घूम सकते हो मत घूमना, पर वेलोसिटी क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए। कहाँ गया पर? हाँ यहाँ गया। तो अब होगा क्या? हो सकता है एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो चाहे ना हो, दो पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन आएगा ना अपना काम। फ्रिक्शन क्या करेगा? अगर बॉडी के पास टेंडेंसी होगी नीचे गिरने की, हाँ या ना? तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, और बॉडी के पास टेंडेंसी होगी स्किड होने की, तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड, हाँ या ना? सही है। तो क्या लिख दूं मैं? कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस, प्लस नॉर्मल कंपोनेंट विल मेक श्योर दैट एम वी स्क्वायर बाय आर रिमेन्स, हाँ या ना? पर इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्पीड करते ही जाओ, फिर फ्रिक्शन है ना संभाल लेगा, फ्रिक्शन की वापस से एक लिमिट है, हाँ या ना? करेक्ट है कि नहीं? फ्रिक्शन की वापस से एक लिमिट है ना बेटा। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। तो नाउ वी विल हैव टू वेलोसिटीज, द मैक्सिमम स्पीड अप टू विच यू कैन गो एंड द मिनिमम स्पीड अप टू विच यू कैन गो। अब इस वेलोसिटी से कम रही तो नीचे की तरफ गिर जाओगे, और इस वेलोसिटी से ज्यादा रही तो ऊपर की तरफ, ठीक है? तो टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग, टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग, फ्रिक्शन विल चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, यस और नो? हाँ बोलो,
बोल बोल, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे की तरफ। नाउ सी, मानता हूं कि फ्रिक्शन, बॉडी बहुत तेज चल रही है, बॉडी बहुत, अगर बॉडी तेज चलेगी बॉडी क्या होगी? तेज चलेगी, तो फ्रिक्शन की दिशा किधर होगी? मैक्सिमम स्पीड चाहिए ना, तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी क्या होगी? अरे तेज चलेगी तो बाहर जाने की टेंडेंसी होगी ना यार, स्किडिंग की टेंडेंसी होगी ना, तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ेगा? यस और नो? पहले ये उतारो, यहां तक उतारो जल्दी से। मतलब क्वेश्चन में अगर सेफ स्पीड बोली होगी तो सेफ स्पीड की वैल्यू क्या है? हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड द सेफ स्पीड। और जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर 70, ये वो यही लिखे होते हैं। ना नीचे गिरेगा ना ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। हाँ क्या? हाँ कर सकते हो, पर मोटा आदमी मेरे ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर एक और कंडीशन है ना टॉपलिंग की। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी तो लग रहा है, बैठे वेट मैटर क्लोज। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उसको भी बैलेंस करते हो एमजी के किसी, अरे अब छोड़ो, अब बाद में देखेंगे। लिखो जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये खत्म करना है। सर्कुलर मोशन ट्राई कर रहे हो आप लोग? डीपीपी करना स्टार्ट करो। अबे उड़ा दोगे पे, बहुत इजी है उसमें ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अगर क्वेश्चन दिखे ना तो छोड़ देना है ना, वो वर्क पार के बाद पढ़ेंगे अपन। ऑप्टिक्स कितनी हो गई आप लोगों की? ऑप्टिक्स हो जाएगी। अगले एग्जाम में ऑप्टिक्स आएगा आपके। चलो लिख लिया, चले आगे। देखें फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये कब का केस है बेटा? जो स्पीड कैसी हो, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम, वेरी गुड। तो एन अब क्या करें यहां पे? यहां पे नीचे क्या लग रखा है? एम जी।
करेक्ट है क्या? तो n के दो कंपोनेंट, यस और नो? व्हाट इट इज? n cos थीटा था ये वाला, एंड दिस वाज n sin थीटा, करेक्ट है क्या? नाउ सी, फ्रिक्शन कैन हैव टू कंपोनेंट्स, करेक्ट? दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, f sin theta and this will be, correct है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? Now see, f can be written as mu times of n, yes or no? तो vertical direction के अंदर तो कोई motion नहीं हो रहा है, तो n cos theta must be balancing f sin theta, करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आया n cos theta माइनस f sin theta इक्वल टू, और दूसरा अंदर के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो प्रोवाइड कर रहा होगा, f cos theta, अरे हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, चलो। आपको पता है f इक्वल टू कितना है बच्चे? म्यू इंटू एन है। पुटिंग वैल्यूज बैक अगेन इन द इक्वेशन यू विल गेट, n कॉमन ले लेता हूं तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी? cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। निचले वाले में भी n कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा? प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर, अच्छा यहां म्यू कॉस थीटा आएगा और यहां सिंपल साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों को डिवाइड कर दो, मैटर 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 मैटर, तो क्या आया ये? ये आया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन, क्या आया बेटा? म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, और यू कुड से वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टाइम्स ऑफ म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, क्या लिखा ये? cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एम आई क्लियर? हाँ, तो cos से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो कितना आया ये? आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टैन थीटा का अंडर, टेल मी यस और नो? While if the body will have minimum speed, while if the body will have minimum speed, friction will try to protect it. Friction will act upwards, yes or no? Normal will be in this direction again, and mg will be in this direction. दो component वापस से कितना हो जाएगा? n cos theta, n sin theta. f cos थीटा f sin थीटा, करेक्ट है क्या? इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे वापस से? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और n cos थीटा प्लस f cos थीटा, चेक कर रहा था, f sin थीटा इक्वल टू, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो वापस से यही आंसर आएगा, यहां माइनस और यहां प्लस, करेक्ट है क्या? सो वी मिनिमम विल बी गिवन एज अंडर रूट ओवर आर जी म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, आर वी क्लियर एवरीवन?